गंदी हरकत है ये। और सबसे बड़े दलाल, सबसे बड़े चूती है, मैं यहाँ कहता हूँ कि बड़े बड़े नेता हैं जो कि पठान में दीपिका पादुकर की बिकनी ड्रेस उनको दिखाई दे जाती है, लेकिन जब पूरी तरह से आदि पुरुष में पूरी तरह से रामायण का छिन्न किया जाता है तो अभी तक उनके कान में एक चू तक नहीं रेंग रहा है। महाराज योगी आदित्यनाथ जी, आप बहुत बड़े संत हैं, संसद में बोलते हैं कि मुझे सबसे बड़ा इस देश का जो राजा है वो राम है और मैं राम के सिवा किसी और को नहीं मानता हूँ, तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब पूरे किरदार को, पूरे रामायण को उलट पुलट कर दिया गया है तो अभी तक आपकी कोई भी बयान अभी तक क्यों नहीं निकल करके आई है? एक और बाबा इस देश में हुए, मैं बाबा का नाम लूंगा, हिरेंद्र शास्त्री, अपने आप को हनुमान का सबसे बड़ा भक्त कहता है, ये चोर है पूरी तरह से भक्त है, ये हनुमान के साथ पूरी तरह से किरदार के साथ क्या किया गया है आदि पुरुष ने, एक बार भी टिप्पणी किया ये? और कहां गए वो दलाल जो कि नरोत्तम, कौन है वो नरोत्तम मिश्रा, अपने आप को मंत्री कहता है, पठान मूवी रिलीज हुई, एक बिकनी ड्रेस पर पूरा हंगामा हो गया कि हमारी हिंदुत्व खतरे में है क्योंकि भगवा ड्रेस को बिकनी ड्रेस बना दिया गया था, केवल एक कलर के माध्यम से पूरे पठान का विरोध किया गया, और जब आज पूरे रामायण को चिड़फाड़ कर दिया गया, पूरे रामायण को उलट पुलट कर दिया गया, एक भी दलाल क्यों नहीं आया यहाँ बाहर? वो वाली फर्क नहीं पड़ता है कि मैं बजरंग दल का हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक सम्मान्य स्टूडेंट हूँ, मैं एक छात्र हूँ, लेकिन मैं सत्य के लिए बोलना जानता हूँ। मेरी बगिया ने, मेरे विश्वविद्यालय ने एक चीज सिखाया है कि जहाँ पर भी रहो चट्टान के खड़े रहो, जो भी असत्य हो रहा हो उसको सत्य करने का प्रयास करो। प्रकार का कोई भी खिलवाड़ किया जाएगा हमारे महाग्रंथों के साथ, किसी प्रकार का खिलवाड़ किया जाएगा बहुत बुरा होगा।